नमस्कार दोस्तों, मैं विजय आपको स्वागत करता हूँ अपने चैनल में स्टडी विद विजय सर में। दोस्तों, आज मैं यूपी स्पेशल के क्वेश्चंस हम इस वीडियो में जिक्र करने वाले हैं। टॉप के 25 क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए, स्किप ना करिए। तो वीडियो को शुरुआत करते हैं दोस्तों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्रफल की अगर बात किया जाएगी दोस्तों, तो 240928 वर्ग किलोमीटर करके है, इस तरह से हमने क्षेत्रफल जाना। क्वेश्चन नंबर दो की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो 16.5% करके है। और क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना है, तो 7.33% करके है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और चौथा नंबर क्वेश्चन जिक्र करेंगे, तो 9 नवंबर 2000 को यूपी विभाजन दिवस के रूप में मनाया जाता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड को अलग किया गया था। तो इस तरह से हमने 4 क्वेश्चन जिक्र किया जो है। अब क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दोस्तों हम शुरुआत से लेकर के अंत तक राजधानियों के बारे में जानेंगे। स्टार्टिंग में क्या था, अभी क्या है तत्काल में। तो अगर शुरुआत करेंगे तो आगरा, 1836 में आगरा को बनाया गया था राजधानी उत्तर प्रदेश का पहले। उसके बाद इलाहाबाद की बात करेंगे तो 1858 को बनाया गया था इस तरह से। और लखनऊ आंशिक रूप से टेम्परेरी बनाया गया था, 1921 में बनाया गया था दोस्तों। और लखनऊ को पूर्णतः और अब तक जो है 1935 में बनाया गया था, जो कि अब तक है उत्तर प्रदेश की राजधानी के रूप में। तो इस तरह से हमने राजधानियों के बारे में जिक्र किया इस क्वेश्चन में। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग जिक्र करेंगे दोस्तों कि राजचिन्ह के बारे में। 1938 में राजचिन्ह को स्वीकृत किया गया था उत्तर प्रदेश का। और फिगर के अकॉर्डिंग हम बताएंगे आप लोगों को कि यहाँ पर दो मछलियों का जो साइन दिखाई दे रहा है, अवध के मुस्लिम शासन का प्रतीक दिखाई दे रहा है ये हमारा, और इसमें तीर और धनुष का जो प्रतीक दिखाई दे रहा है ये हिंदू शासन राम का प्रतीक है दोस्तों। और जो तीन तरंग लाइनें दिखाई दे रही हैं ये हमारा जो है गंगा यमुना का बहाव और नदियों का शान प्रतीक दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमने प्रतीक के बारे में ये जाना। तो अब क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग जिक्र करेंगे उत्तर प्रदेश के जिलों की संख्या अगर बात किया जाएगा तो वो 75 है, ऑलरेडी आपको पता होगा। और उत्तर प्रदेश के मंडलों की संख्या की बात किया जाए तो 18 मंडल हमारे यहाँ हैं। और उत्तर प्रदेश के रेलवे जोन का मुख्यालय की बात किया जाए कि उत्तर प्रदेश कितने रेलवे जोन है दोस्तों, तो 2 रेलवे जोन है, एक प्रयागराज है और दूसरा गोरखपुर है, इस तरह से। और क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे, उत्तर प्रदेश के गन्ना किसान संस्थान की बात किया जाएगा तो वो हमारा लखनऊ में है, इस तरह से 9 क्वेश्चन हमने कवर किया। अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में दोस्तों हम सीटों के बारे में जानेंगे, मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है पॉइंट है। और यहाँ पर लोकसभा सीट की बात किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं दोस्तों। राज्यसभा में सीटों की बात किया जाएगा 31 है। विधानसभा सीटों की बात किया जाएगा तो 403+1 मतलब 404 करके है। और एक जो प्लस हुआ है एंग्लो इंडियन का है। और विधान परिषद सीटों की बात किया जाए उत्तर प्रदेश का तो 100 है। और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सम्मिलित अगर जिलों की बात किया जाएगा तो 7 जिले आते हैं। सीमावर्ती देश की अगर बात किया जाएगा उत्तर प्रदेश से कौन देश टच में है दोस्तों, तो वो है हमारा नेपाल। और सीमावर्ती प्रदेश की अगर बात किया जाएगा दोस्तों तो वो हमारा दिल्ली और अन्य 8 राज्य आते हैं। तो इस तरह से हमने इस महत्वपूर्ण पॉइंट के बारे में क्वेश्चन नंबर 10 में जाना। अब क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में हम जानेंगे कि राजकीय चिन्ह के बारे में दोस्तों। तो राजकीय पुष्प की अगर बात किया जाएगा तो उत्तर प्रदेश का पलाश है दोस्तों। और राजकीय पक्षी की बात किया जाएगा तो सारा संक्रमण, इस तरह से। और राजकीय वृक्ष की बात किया जाएगा तो हमारा अशोक है। और राजकीय पशु की बात किया जाएगा तो बारहसिंघा, इस तरह से हमने। अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि क्षेत्रफल की दृष्टि से अगर देखा जाए भारत का, तो सबसे बड़ा राजस्थान है, दूसरे नंबर पर हमारा मध्य प्रदेश आता है, और तीसरे प्लेस पर जो है महाराष्ट्र, और चौथे प्लेस पर जो है उत्तर प्रदेश आता है। और 13 नंबर क्वेश्चन हम जिक्र करेंगे, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक स्पर्श करने वाला अगर राज्य की बात किया जाएगा तो हमारा मध्य प्रदेश एमपी है। और क्वेश्चन नंबर 14 में उत्तर प्रदेश का न्यूनतम स्पर्श करने वाले अगर राज्य की बात किया जाएगा दोस्तों तो वो हिमाचल प्रदेश है, इस तरह से 14 क्वेश्चन हमने जाना। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे दोस्तों, तो उत्तर प्रदेश की जो है जलवायु की अगर बात किया जाए तो समानतः समशीतोष्ण और उष्णकटिबंधीय जलवायु हमारे उत्तर प्रदेश की है। 16 नंबर क्वेश्चन हम लोग जिक्र करेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म अगर एरिया की बात किया जाए दोस्तों, सबसे ज़्यादा गर्मी आगरा और झांसी में पड़ती है उत्तर प्रदेश में। और 17 नंबर क्वेश्चन में जिक्र करेंगे कि मैदानी क्षेत्र में सर्वाधिक अगर वर्षा की बात किया जाए दोस्तों तो हमारे गोरखपुर में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है, और न्यूनतम वर्षा की बात किया जाए तो मथुरा में होती है। तो इस तरह से 17 क्वेश्चन हमने जिक्र किया। अब क्वेश्चन नंबर 18 की जिक्र कर
क्वेश्चन नंबर 18 में हम लोग जिक्र करेंगे दोस्तों कि उत्तर प्रदेश की प्रमुख नदियों के बारे में, और हिमालय से अगर निकली नदियों की बात किया जाएगा दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में आए हैं, तो वो गंगा नदी है दोस्तों, यमुना और शारदा, गंडक और रामगंगा और राप्ती नदी जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। और दक्षिण पठार से अगर निकली नदियों की बात किया जाएगा दोस्तों जो उत्तर प्रदेश में है, वो चंबल है, बेतवा नदी है, केन है, सीन है दोस्तों, और रेहंद आदि नदियाँ हैं। और बात किया जाएगा गंगा के बाएं किनारे से निकलने वाली नदियों के बारे में, अगर हम जिक्र करेंगे तो वो गंडक है और रामगंगा, राप्ती और जो है गोमती। इस तरह से हमने ये नदियों के बारे में, प्रमुख नदियों के बारे में जिक्र किया दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 19 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में हम जिक्र करेंगे कि गंगा के किनारे बसे प्रमुख अगर शहरों की बात किया जाएगा, तो हमारा प्रयागराज है, कानपुर है दोस्तों, और वाराणसी है। और क्वेश्चन नंबर 20 में अगर शारदा नदी के अन्य नाम से अगर जाना जाता है, तो वो काली नदी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो इस तरह से हम 20 क्वेश्चन जिक्र किया। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग जानेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य की बात अगर किया जाए दोस्तों, तो चारकुला है, थारू, धोबिया और राम है, शेरा, नौटंकी, रामलीला और झूला और छपेली और कजरी, ये मुख्य जो है उत्तर प्रदेश के लोक नृत्य हैं। और उत्तर प्रदेश की अगर हम नौटंकी की बात करेंगे दोस्तों, तो जो है सर्वाधिक प्रचलित लोक नृत्य माना जाता है यहाँ का। और चरकुला की बात करेंगे दोस्तों, तो ये जो है ब्रज क्षेत्र से रिलेटेड है, और आल्हा जो अगर गाया जाता है वो बुंदेलखंड से रिलेटेड है। इस तरह से हमने 23 क्वेश्चन जिक्र किया। अब क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में हम लोग जानेंगे दोस्तों मंदिरों के बारे में, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मंदिर, विश्वनाथ मंदिर की बात किया जाएगा तो वाराणसी है दोस्तों, और वृंदावन मंदिर की बात अगर किया जाएगा तो वो मथुरा है, और बाबा सोमनाथ मंदिर तो देवरिया है हमारा, और विश्व धरोहर में सम्मिलित अगर राज्यों की बात किया जाएगी दोस्तों, फतेहपुर सीकरी हो गया, आगरा का किला हो गया, और ताजमहल ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है पॉइंट है। तो हमने इस 25 क्वेश्चन जिक्र किया दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन जिक्र लिया। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूले दोस्तों। और आपसे निवेदन है, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दोस्तों हिट कर दें, ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड करो नोटिफिकेशन जाए, वीडियो को वॉच कर सकें। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर एवरीवन।